आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेड रोल की रेसिपीज। और मैं कुछ दिनों से एक्टिव नहीं थी ड्यू टू हेल्थ इशू, सो मैं अब आ गई हूँ, तो जल्दी से अच्छी सी रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए ब्रेड, ब्रेड के मैंने ब्राउन पार्ट्स काट दिया है, और मैंने ले लिए आलू, आलू को मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। और ये मैंने लिए हैं कुछ मसाले, इसमें मैंने लिया है नमक, चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा गरम मसाला, रेड चिली पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स। अब हम हमारे आलू में सारे मसाले मिक्स करेंगे। मैं इसे हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये हमारा आलू का मसाला रेडी हो गया है। चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं हमारे ब्रेड रोल्स बनाने। सबसे पहले हमारी जो कट हुई ब्रेड है उसे लेंगे, और ये मैंने ले लिया है वाटर। हम पानी में से थोड़ा सा डिप करेंगे और हाथों से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि इसका पानी निकल जाए और ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और अब हम इसमें भरेंगे हमारा आलू का मसाला। और इसे हम इस तरीके से कर देंगे हाथों की हेल्प से, पर इसे प्रेस कर करके हम इसे अच्छा सा राउंड शेप दे देंगे। ये हमारे रेडी हो गया। अब इस हम इस तरीके से हमारे सारे ब्रेड रोल्स बना लेंगे। अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा कोट हम ब्रेड क्रम से। ये मैंने ले लिया 2 टेबलस्पून मैदा और 1/2 कप वाटर। अब मैं इसे इसमें डिप करके ब्रेड क्रम में अच्छे से सारे ब्रेड क्रम इसमें अच्छे से लगा दूंगी इस तरीके से, और हाथों की हेल्प से इसे अच्छे से कर प्रेस कर दूंगी ताकि सारे ब्रेड क्रम इसमें अच्छे से लग जाएं। और अब हम करेंगे इसे फ्राई। मैंने मीडियम फ्लेम पे ऑयल गरम कर लिया है और हम इसे करेंगे फ्राई। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना मेरी रेसिपी कैसी लगी, और प्रेस कर देना बेल आइकन को ताकि कि मेरी न्यू वीडियोस आपको मिलती रहे। ये देखिए, आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल मत हिलाना, नहीं तो ये टूट भी सकता है और इसका शेप भी खराब हो सकता है। तो इसे हम थोड़ा सा गोल्डन होने देंगे, देन हम इसे फ्लिप करेंगे। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, आप इसे देख सकते हैं। और हमारे ब्रेड रोल हो गए हैं ऑलमोस्ट रेडी। अब हम इसे निकाल लेंगे टिश्यू पेपर में ताकि इसका ऑयल, एक्स्ट्रा ऑयल हट जाए। ये अच्छा कलर आया और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इजी रेसिपी है। ये देखिए, अब हम करेंगे इसे सर्व। मैं इस तरीके से बाकी भी बना लूंगी। स्पून की हेल्प से मैं इसे अलग अलग कर दूंगी ताकि एक दूसरे से ना चिपके। और अब हम करेंगे इसे सर्व। मैंने पहले इसे निकाल लिया टिश्यू पेपर में ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, देन अब हम इसे करेंगे सर्व। मैंने इसे ग्रीन चटनी और टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। आप इसे मेयो के साथ भी सर्व कर सकते हो, और ये बिल्कुल रेडी है। इसे जरूर ट्राई करना। थैंक यू।